तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे गाइस कंपैरिजन लेकर आ चुके हैं रियलमी के बर्ड्स वायरलेस 3 वर्सेज यहाँ पे गाइस आपको वन प्लस के बुलेट वाले Z2 की। तो गाइस चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग गाइस आपको यहाँ पे देखते हैं कि आपको यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा नेकबैंड परचेज करना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस की बात करेंगे तो आपको काफ़ी कम का डिफरेंस है, लाइक आपको यहाँ पे 100 से 200 रुपीज़ का ओनली डिफरेंस रहता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में अपने साथ अंत तक बने रहिएगा। तो वही चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोनों गाइस यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी और गाइस यहाँ पे डिजाइन में डिफरेंस ही। तो वही बात करेंगे सबसे पहले आपको इस यहाँ पे इन दोनों के डिजाइन में, तो इस डिजाइन में आपको काफ़ी कम डिफरेंस देखने के लिए मिलती है। आप देख सकते हो दोनों ही गाइस यहाँ पे आपको टिपिकल सा आपको इस यहाँ पे रबराइज मटेरियल का बना हुआ आता है दोनों का। यहाँ पे नेकबैंड देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट है दोनों का ही, देख सकते हो दोनों को आप फोल्ड करके गाइस यहाँ पे डाल सकते हो, पॉकेट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर गाइस यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट हो तो। बाकी इस बात करेंगे दोनों के मॉड्यूल की, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो वन प्लस का जो बुलेट वाले Z2 आता है इसका इस यहाँ पे मॉड्यूल आता है आई सब यहाँ पे मैट फिनिश में। पर अगर बात करेंगे रियलमी के बर्ड्स वाले 3 का मॉड्यूल तो ये गाइस सब यहाँ पे आता है ग्लोसी फिनिश में। डेफिनेटली गाइस ग्लोसी फिनिश है तो थोड़ा सा इसे स्क्रैचेस गेन कर रखा है, आप देख सकते हो अभी तो नहीं बट गाइस मुझे लगता है ये 1-2 दिन में काफ़ी सारे स्क्रैचेस गेन कर सकता है। बाकी इस दोनों में मिल जाती है अपनी अपनी ब्रांडिंग। बात करेंगे इस यहाँ पे ज्वाइंट की, तो देख सकते हो इस दोनों का ज्वाइंट मुझे यहाँ पे इस पर काफ़ी बेटर लगा, दोनों के जॉइंट में आपको इस यहाँ सपोर्ट देखने के लिए मिलती है जिससे मुझे लगता है इस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल इसको बना देता है इसका इन दोनों का जॉइंट। तो इस यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी में इधर कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी। और इस बात करेंगे कि इस यहाँ पे बटन में डिफरेंसेज की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा गाइस आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे ऊपर में मिलता है आपको इस यहाँ पे 4 बटन, बट इस बात करेंगे वन प्लस की तो इस ओनली आपको इस यहाँ पे 3 ही बटन देखने के लिए मिलते हैं, आप देख सकते हो। क्योंकि ये सब यहाँ पे हमें रियलमी में देखने के लिए मिलती है 30 डेसिबल तक की गई यहाँ पे एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, जो चीज़ आपको वहाँ पे मिसिंग है वन प्लस के बुलेट वाले Z2 में ऐसा कोई बटन देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे ये आपको विदाउट ANC के साथ आता है। बाकी ये आपको इनका टिपिकल बटन लाइक आप वॉल्यूम प्लस माइनस आदि गई यहाँ पे MAV बटन बीच में के लिए मिल जाती है, जो कि आपको इस यहाँ पे पेरिंग में भी वर्क करता है, साथ ही आपको यहाँ पे कनेक्ट करना हो तो भी वर्क करता है और साथ ही यहाँ पे आपको फ्लिप आउट करने में भी वर्क करता है। बाकी सब हम लोग बात कर लेंगे गाइस यहाँ पे वायर की क्वालिटी की, तो गाइस आप देख सकते हो मुझे लगता है वायर की क्वालिटी में आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है एकदम से नहीं, बट हल्का सा गाइस यहाँ पे आपको मोटा वायर देखने के लिए मिलती है आपको इस यहाँ पे रियलमी के बर्ड्स वायरलेस 3 की एज कम्पेयर टू गाइस यहाँ पे वन प्लस की बुलेट वाले Z2। डेफिनेटली मुझे लगता है गाइस यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी कर दिया गया है, क्योंकि सब टेक्सचर देखो तो एकदम सेम टू सेम लाइनिंग दी गई है, तो अगर वायर की क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलती है। दोनों की वायर मुझे गाइस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगी है और दोनों की वायर काफ़ी सॉफ्ट है। हाँ बट ये आपको यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, क्योंकि इस वन प्लस को मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ तो वैसे ये मतलब अभी तक इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई है। बाकी इस देखते हैं रियलमी का क्या कंडीशन रहता है काफ़ी टाइम बाद। बाकी इस बात करेंगे दोनों गाइस यहाँ पे आपको ईयरबड्स की गाइस क्या कुछ देखने के लिए मिलती है इनमें डिफरेंस है, तो इसमें एक आपको यहाँ पे बड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाती है। आप डिजाइन देखोगे तो गाइस आपको यहाँ पे सिमिलर देखने के लिए मिलती है देख सकते हो, बट गाइस ऐसा नहीं है। आपको गाइस यहाँ पे हमारा जो रियलमी का बर्ड्स वायरलेस 3 इसमें मिलती है गाइस आपको यहाँ पे 13.6 mm के आपको इस यहाँ पे डायनेमिक बेस ड्राइवर्स, बट गाइस बात करेंगे आपको यहाँ पे वन प्लस गाइस यहाँ पे बुलेट वाले Z2 की तो इसमें देखने के लिए मिलती है आपको यहाँ पे 12.4 mm के ड्राइवर्स। बाकी इस बात करेंगे फिटिंग की, तो इस फिटिंग आपको यहाँ पे पहले तो रियलमी का उतना बेटर नहीं था वायरलेस 2 का, बट इस आप बात करेंगे रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 की तो इस फिटिंग काफ़ी अच्छी कर दी गई है, क्योंकि इस देख सकते हो वन प्लस की तो फिटिंग पहले से अच्छी थी, बट इस देखोगे तो आपको यहाँ पे सेम टू सेम देखने के लिए मिलेंगे। बाकी इस दोनों में मैग्नेटिक कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाती हैं, ऐसे रहेगा तो इससे पावर ऑफ रहेगा और जैसे आप इसको यहाँ पे हटाओगे तो वैसे पावर ऑन हो जाएगा, दोनों में ये फीचर्स देखने के लिए मिल जाती है। और गाइस अब बात करेंगे इन दोनों के इस यहाँ पे थोड़े से गाइस यहाँ पे इनके फीचर्स में डिफरेंसेस की, तो गाइस यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कनेक्टिविटी की, यहाँ पे आपको रियलमी के बर्ड्स वायरलेस 3 में लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया जाता है, बट गाइस बात करेंगे वन प्लस के बुलेट वाले Z2 में तो इसमें अभी भी ब्लूटूथ वर्जन आपको इस यहाँ पे 5.0 दिया गया है, तो गाइस मुझे लगता है थोड़ा पुराना है। बाकी इस बात करेंगे गेमिंग लेटेंसी की, तो गाइस मुझे लगता है आप यहाँ पे इससे गेमिंग कर सकते हो रियलमी के आप गाइस यहाँ पे नेकबैंड से, क्योंकि आपको यहाँ पे ओनली 45 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसमें लगता है गेमिंग के लिए परफेक्ट हो सकता है रियलमी। बट गाइस आप यहाँ पे वन प्लस से गेमिंग नहीं कर सकते, इसमें भी हाँ काफी कम लेटेंसी देखने के लिए मिलती है आपको मुझे लगता है 88 to 90 ms, बट गाइस आप इससे गेमिंग नहीं कर सकते, हल्का सा गाइस आपको यहाँ पे लेटेंसी देखने के लिए मिलेगी वन प्लस में, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वन प्लस की बुलेट वाली Z2 के साथ आप गेमिंग करो।
और इस मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा कि वो लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसमें आपको गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं जा रहा, बट गाइस आपका यहाँ पे एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी इसी तरह की न्यू वीडियोज़ बनाने में। हम लोग गाइस बात करते हैं मेनली गाइस यहाँ पे आपको इन दोनों की ही बैटरी लाइफ की, गाइस क्या कुछ बैटरी लाइफ में डिफरेंस देखने के लिए मिलती है। तो गाइस हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपने रियलमी की बड्स वायरलेस 3 की। तो गाइस हमको जो रियलमी के बड्स वायरलेस 3 में जो आपको गाइस यहाँ पे फुल बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलती है, वो गाइस मिलती है यहाँ पे आपको 40 घंटे की बैटरी बैकअप, जो कि इस कंपनी का क्लेम है आपको इस यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे इसको 50% वॉल्यूम पे प्ले करते हो तो ये देने वाला आपको इस यहाँ पे 40 घंटे की बैटरी लाइफ। इस बात करेंगे वन प्लस की बुलेट वाली Z2 की, इसका जो कंपनी के द्वारा क्लेम है वही आपको यहाँ पे 30 घंटे की बैटरी लाइफ है, और इस यहाँ पे आप इसको 50% वॉल्यूम पे सुनते हो तो। बाकी हम लोग बात करेंगे दोनों के, इस यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग की, गाइस कितने मिनट चार्ज करते हो तो इस यहाँ पे आपको कितने मिनट का प्ले टाइम मिलने वाला है। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे रियल मी के बड्स वायरलेस 3 की, गाइस इसको आप यहाँ पे 10 मिनट चार्ज करते हो तो गाइस ये आपको यहाँ पे देने वाला 25 घंटे की बैटरी लाइफ। और गाइस बात करेंगे आपको यहाँ पे वन प्लस के बुलेट वायरलेस Z2 की, गाइस अगर आप यहाँ पे इसको 10 मिनट चार्ज करते हो तो गाइस ये आपको यहाँ पे देने वाला है 20 घंटे की प्लेबैक टाइम, तो वैसे भी काफ़ी बढ़िया है आपको। बट गाइस आपको यहाँ पे जो ज़्यादा फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलने वाली है वो गाइस आपको यहाँ पे रियल मी के बड्स वायरलेस 3 में। बाकी चलिए हम लोग एक माइक्रोफोन भी टेस्ट कर लेते हैं, गाइस इन दोनों में से माइक्रोफोन की क्वालिटी आपको यहाँ पे किसकी बेटर देखने के लिए मिलती है, तो वैसे चलिए हम लोग एक माइक्रोफोन की क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो भाई साहब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो आप यहाँ पे रियलमी बड्स वायरलेस 3 की माइक्रोफोन द्वारा सुन रहे हैं, तो भाई साहब मेरे को बताओ कि आपको इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी लग रही है। तो हे भाई सब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो आप यहाँ पे वन प्लस के बुलेट वायरलेस Z2 की माइक्रोफोन द्वारा सुन रहे हैं, तो भाई साहब मेरे को बताओ कि आपको इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी लग। और हम लोग बात करेंगे दोनों में गाइस आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी में डिफरेंस की, तो गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इस यहाँ पे हमारा जो रियलमी का बड्स वायरलेस 3 है इसमें गाइस आपको यहाँ पे काफ़ी डीप बेस देखने को मिलती है, क्योंकि गाइस आपको यहाँ पे इनमें 13.6 mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं, जिससे कि मुझे लगता है आपको यहाँ पे काफी ज्यादा बेस प्रोवाइड करता है ये आपको इस यहाँ पे रियल में। बाकी इस बात करेंगे वन प्लस के बुलेट वाले Z2 की, इसमें भी आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है, बेस इसका भी गाइस यहाँ पे अच्छा है क्योंकि इसमें दिया गया 12.4 mm के ड्राइवर्स। बट गाइस आप मेरी मानो कि मुझे पर्सनली दोनों में से किसका साउंड क्वालिटी पसंद आया तो मैं कहूँगा गाइस यहाँ पे आपको डेफिनेटली रियलमी का जो बड्स वायरलेस 3 इसकी गाइस मेरे को यहाँ पे साउंड क्वालिटी बढ़िया लगी है। और इस रियलमी का साउंड क्वालिटी इसलिए भी बेटर है क्योंकि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, जो कि गाइस मुझे लगता है अगर आप यहाँ पे N6 म्यूजिक सुनते हो तो आपको एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा इनहेंस कर देता है आपको गाइस यहाँ पे रियलमी के बड्स वायरलेस 3। बाकी हम लोग आते हैं मैंने हॉर्डिक पे, गाइस आपको यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा नेकबैंड परचेस करना चाहिए, क्योंकि इस दोनों नेकबैंड में आप देखोगे तो गाइस यहाँ पे आपको प्राइस का काफी कम का डिफरेंस है। लाइक आप यहाँ पे जो रियलमी बड्स वायरलेस 3 लॉन्च हो रहा होगा इस आपको ओनली गाइस यहाँ पे 1700 रुपीज में लॉन्च हो रहा है, बट इस बात करेंगे अभी आपको यहाँ पे नॉर्मल प्राइसिंग की आपको इस यहाँ पे वन प्लस के बुलेट वाले Z2 की इसका प्राइसिंग तो गाइस यहाँ पे आपको 2000 रुपीज चल रही है। तो इस मुझे लगता है अभी अगर आप यहाँ पे परचेस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे रियलमी के बड्स वायरलेस 3 परचेस कर सकते हो। रिकमेंड कर सकता हूँ गाइस यहाँ पे आपको कि आप कहीं से यहाँ पे जाओ और रियल मी का बड्स वायरलेस 3 परचेस करो कभी भी, अगर कहीं आपको यहाँ पे फर्स्ट सेल में मिलती है 1700 रुपये में तो भी परचेस कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर यहाँ पे 2000 के आसपास मिलती है, अगर दोनों की प्राइसिंग कहीं यहाँ पे 2000 रुपीज रहती है तो मैं आपको यहाँ पे कहीं आँख बंद कर कह सकता हूँ कि यहाँ पे आप रियल मी के बड्स वायरलेस 3 के साथ जाओ, बिल्कुल भी कहीं आप यहाँ पे इससे डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो अगर अपने यहाँ पे 2000 रुपीज खर्च करते हो। तो आप इन दोनों से नेकबैंड में से कोई भी नेकबैंड परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको कहीं यहाँ पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। और गाइस आप वहाँ से परचेस करते हो तो हमारे चैनल को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगी आगे रन करने में और इसी तरह के और भी न्यू वीडियोस लाने में। तो गाइस चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।